रायबरेली पहुंचे कांग्रेस की न्याय यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं का अपमान किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी बताया। राहुल गांधी ने कहा, गाना बज रहा है, युवा नाच रहा है। रायबरेली में न्याय यात्रा के दौरान सुपरमार्केट में नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी ने कहा, मैं बनारस गया, वहां पर देखा युवा शराब के नशे में सड़क पर पड़ा है, गाना बज रहा और नाच रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जमकर झंडा लहराते हुए यात्रा का विरोध करते नजर आए। इससे पहले राहुल गांधी सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत पाकर फुर्सतगंज पहुंचे, जहां से उनकी यात्रा तय समय से देरी से शुरू हुई। राहुल की न्याय यात्रा फुर्सतगंज के रास्ते रायबरेली पहुंची। रायबरेली के सारस चौराहे से सिविल लाइन होकर सुपरमार्केट पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। यात्रा के दौरान शहर में छत से लोगों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी ने ओबीसी एससी के मुद्दे के साथ में पेपर लीक का मुद्दा उठाया। सुपरमार्केट से नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के बाद यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे त्रिपुरा के रास्ते लखनऊ प्रयागराज एनएच होते हुए रायबरेली के हरचंदपुर बचरामा विधानसभा होकर गुजरेगी। कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी यात्रा का विरोध हुआ। एनएच पर एक होर्डिंग लगाई गई, जिसमें बताया गया कि सपा बसपा के साथ रायबरेली अमेठी को धोखा दिया है और अब न्याय करेंगे, वाह भैया वाह। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बप्पर शहर की आबादी 50% है, बात समझ आई? इसकी आबादी 50% है, ये काला फिर गांव है, नहीं दूसरा वाला नीला वाला, ये पकड़ो। इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, एससी शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी, वो भी 15%, 50 और 15 कितना, 8% आदिवासियों की है, 63% कितना हुआ, तो ये सुनो सुनो, इसकी आबादी 73% है, 73% ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है, ये क्यों रो रहा है, ये क्यों रो रहा है, ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है, ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। सही बात बोली मैंने, भविष्य नहीं है, और हमारा काम 73% का काम इसके लिए भविष्य बनाने का है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी 24 घंटा दबाए जाते हैं, उन पर थूका जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके रास्ते बंद किए जाते हैं, ये सच्चाई है देश की। मैं आपसे पूछता हूं, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में,